हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। वहीं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं संडे वाले दिन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सब्ज़ी लेके गए आए थे हम लोग। मंडी गए हुए थे तो जो भी हमें सब्ज़ी चाहिए थी एक साथ ले आए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो था, मीन्स सुबह के टाइम में सब्ज़ी ले आते हैं तो सारा कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं निकाल के रख रही हूँ, बाद में सारा कुछ धुल के रख लूँगी। अभी तो सिर्फ मैं खाली कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर लेके आई हूँ धनिया, जो कि धनिया तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अभी इस टाइम में बहुत टेस्टी खाना होता है। एंड साथ में लेके आई हूँ संतरा और बहुत सारी मिर्च, चुकंदर लाई हूँ, अमरूद, नींबू, आलू, टमाटर, सारा कुछ सब्ज़ी लेके आई हूँ। मटर बहुत सारी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं साल भर के लिए स्टोर करके रखने वाली हूँ। साल भर तो क्या, जितने दिन चल जाएगी, वैसे तो साल भर आराम से चल जाती है, तो बस उसी के लिए स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो 5 kg मटर लेके आई हूँ और इसको भी मैं रख लूँगी स्टोर करके। एंड यहाँ पे मैं एक साथ डाल ले रही हूँ मिर्ची लेके आई हूँ, क्योंकि मिर्ची का मुझे अचार डालना है हरी वाली, और लाल मिर्ची भी लेके आऊँगी तो उसका भी अचार डालूँगी। तो जो भी मैं करूँगी शेयर करूँगी। एंड यहाँ पर थोड़ी सी गाजर भी लेके आई हूँ, क्योंकि भैया को गाजर पसंद है, उसका हलवा पसंद है। तो सारा तो भी तो मैं ऐसे ही रख ले रही हूँ, बाद में जब थोड़ा बहुत काम करके फ्री हो जाएंगे तो फिर कर लेंगे। और यहाँ पे भैया से मैं कुछ बातें करती जा रही थी, क्योंकि वो शैतानी कर रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी कि शैतानी मत करो। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाल के रख ले रही हूँ। बेटी से मैंने कहा था थोड़ा सा निकलवा लो, क्योंकि एक साथ सारी सब्जियाँ बोनी हो रही थी, जैसे कि बहुत सारी हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा सेट करने में था। अदरक भी मैं काफ़ी सारा लेके आ गई हूँ, धनिया पत्ती, मैं सारा सामान थोक में लेके आ गई हूँ, इतना कि जैसे मुझे मिलना ही ना हो एकदम से कभी भी, तो एकदम से ऐसे लेके आ गई हूँ बहुत सारा सामान। बट जो जैसे मंडी में जाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है रेट वाइज, इसीलिए मैं लेके आ गई थी। और थोड़ी सी वॉइस धीमी आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और टमाटर भी लेके आई हूँ 2 kg, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, मेरे रखे भी थे तो मैं फिर ज़्यादा नहीं ले लाई हूँ, वरना तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ले आती इसीलिए। और चुकंदर वगैरह सारा कुछ लाई हूँ, क्योंकि सैलेड में आजकल चाहिए होता है ना। और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं उस दिन अभी बीच में सर्दी चली गई थी, फिर से सर्दी हो गई है। मैं पापड़ भी बनाने वाली हूँ आलू के, तो 5 kg आलू लेके आई थी, और पहले से भी काफ़ी रखे हुए थे, तो दोनों की मिला जुला के पापड़ बना लूँगी। और मैंने यहाँ पे डलिया मंगा ली थी, ताकि इसमें जो सामान रखना है मुझे वो भी रख दूँगी, जैसे होता है सामान। और यहाँ पे अंगूर रखे हुए रखे ख़राब हो गए, क्योंकि अभी जो 2-3 दिन पहले अंगूर आए थे वो थोड़े से खट्टे लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको अलग कर दिया। और यहाँ पर फ्रूट्स मैंने एक साथ रख दिए हैं, कि बच्चे ऐसे रख देते हैं तो खाते रहते हैं फिर, है ना, बार बार उठा के देने की झंझट नहीं रहती है जब भी उन्हें खाना हो। बस यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उसको डांट रही थी मैं, उसके ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि जब कुछ काम करते हैं तो परेशान करते हैं ना, इसलिए फिर गुस्सा आ जाती है ना। तो बस उसी बात में गुस्सा हो रही थी, कितना शैतान कर रहा है, इसीलिए मैं उसी पर गुस्सा हो रही थी कि वीडियो बन रहा है तो बन जाएंगे, शैतान ही मत करो। तो ये देखो परेशान कर रहा है, उंगली दिखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर बस बेटी से बोला था मिर्ची छाँट दो, क्योंकि मटर और मिर्ची को छाँटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक साथ हो गया था, सो मैंने यहाँ पे कर लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो मॉर्निंग का टाइम है और मेरा पोछा वगैरह लग चुका है, सारा कुछ हो गया है, अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और सब्ज़ी भी लेके आ गई हूँ, तो आप लोगों को दिखा दिया, सारी सब्ज़ी लेके आई हूँ, मीन्स थोड़ी ज़्यादा ही मटर लेके आई हूँ, क्योंकि इसको स्टोर करके रखेंगे तो देखते हैं कितने दिन के लिए स्टोर होती है। वैसे तो साल भर के लिए हो जाती है, सो स्टोर करके रखेंगे। और मिर्ची लानी थी, लाल मिर्ची, सो लाल मिर्ची नहीं थी मार्केट में, मीन्स मिली नहीं जब तक हम मंडी गए, तो मंडी की मटर वो मिर्ची ख़त्म हो गई थी लाल वाली, फिर नींबू ले आए हैं। और मिर्ची यही देखते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे तो पति देव फिर ऐसे ही मार्केट से ले आएंगे, और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। सो चलो मैं फटाफट से नहा लूँ, तो मुझे आज जाना है अपनी छोटी वाली बहन के यहाँ, क्योंकि उसकी ना दादी सास एक्सपायर हो गई है, सो वहाँ पर जाना है। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर से, ठीक है, तब तक के बाय।
और यहाँ पे ना बच्चे नाश्ता लेके आ गए थे थोड़ा सा, तो समोसे और जलेबी, तो बस वही खा लेंगे। मैं तो खैर नहीं खाऊंगी, मैं नहाने के बाद ही खाऊंगी क्योंकि बनाना है, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करती, चाय बस पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मलाई रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो उसका मक्खन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मक्खन निकल आया और काफ़ी अच्छे तरीके से निकल आया था, तो बस यहाँ पर मैं निकाल के रख ले रही और इसको पका लूँगी, तो हमारा जो पूजा पाठ के लिए हो जाता है, क्योंकि दोनों टाइम के लिए घी की बाती जलानी होती है ना, तो उसके लिए पूजा के लिए हो जाता है घी। और वैसे तो घर से आ जाता है खाने के लिए, तो मुझे खाने की कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती है, सिर्फ मुझे पूजा के लिए चाहिए होता है। तो मैं अपना यहाँ पे कर लेती हूँ और यहाँ पे जग में से निकाल दिया है, और इसकी जो मट्ठा निकला है तो उसका मैं घी बना लूँगी, सॉरी कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि इसमें मैं ना दही डाल देती हूँ तो खट्टा खट्टा अच्छा मट्ठा भी हो जाता है और घी भी अच्छा रहता है। वरना मलाई का जो खाली मलाई का घी रहता है ना उतना वो टेस्टी नहीं लगता, लेकिन जो खटाई के बाद घी आता है उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है ना। तो यहाँ पे मैं सारा घी निकाल ले रही हूँ और बस इसके बाद मैं पानी से निकाल के रख दूँगी, तो मेरा घी भी तैयार हो गया। और मैं लोहे के बर्तन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको पकाऊँगी ना तो बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। इसके बाद मैं निकल आई थी, अपनी बहन के घर जाना था मुझे, जैसे कि मैं बताऊँगी यही आप लोगों को। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और मैं निकल आई हूँ तो आधे रास्ते तक आ गए हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे रेस्ट करने के लिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। सो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और मैं अपना फ़ोन नहीं लेके आई हूँ, इनके फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को लेवा के नहीं आई हूँ, बच्चे घर पर छोड़ के आए हैं। और एक फ़ोन दे के आए हैं कि जैसे इमरजेंसी में चाहिए होता है, फिर एक बच्चा टीवी देख लेगा, एक बच्चा फ़ोन चला लेगा, और साथ के साथ में जो है पढ़ाई भी कर लेगा, दोनों काम होते जाएंगे। सो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए छाया में खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहीं पे आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और चलिए चलते हैं फिर, अब मिलेंगी घर चल के। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रास्ते में, काफ़ी अच्छा व्यू था, पहाड़ भी अच्छे अच्छे दिख रहे थे, तो बस मैंने शूट कर लिया आपको साथ शेयर करने के लिए। सो आज का वीडियो यही था, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेक श्योर कि लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, मैं रोज़ ही एक बार बोलती हूँ, और आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। छोटी वाली बहन की दादी सास खत्म हुई थी, उसकी उसमें गए हुए थे हम लोग, तो बच्चों को लेकर नहीं गए थे, और फिर संडे वाला दिन था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे बच्चे, इसलिए भी नहीं लेके गए थे, दोनों दोनों चीज़ें थी। और यहाँ पे पतिदेव पेट्रोल भरवा रहे थे लौटने में। सो बस आज का वीडियो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पाव भाजी खा रहे हैं हम लोग, तो तब तक लिए बाय बाय, डू सब्सक्राइब।